आइए दोस्तों, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे 10 तक किए थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कोई गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स दे रखा है, ठीक है। इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करना, वेयर ए क्या है, कोई भी पैरामीटर है। तो चलिए इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज निकालते हैं, ठीक है। चलिए जो कॉन्स्टेंट जिसके साथ पैरामीटर है उसको एक साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एक्स। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा, जब पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दीजिए टू एक्स माइनस वन प्लस टू वाई डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू माइनस टू ए। इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, डिवाइड कर दीजिए सेकंड अपोन फर्स्ट, पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए, सेकंड अपोन फर्स्ट कर दीजिए। तो देखिए कितना, टू एक्स माइनस वन प्लस टू वाई डी वाई अपोन डी एक्स अपोन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू ए अपोन माइनस टू ए एक्स। माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी इधर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये टू एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। टू के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके होल स्क्वायर खोल लीजिए। तो देखिए कितना बच जाएगा, टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू, होल स्क्वायर खोल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स और प्लस कितना आए, वाई स्क्वायर। तो देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए तो ये बच जाएगा कितना, टू एक्स वाई डी वाई अपोन डी एक्स, ये इधर जाके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया गिवन कर्व का। तो लिख देंगे विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, ठीक है। नाउ टू ऑब्टेंट ठीक है, नाउ टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ठीक है, रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपोन डी वाई, ये रिप्लेस कर दीजिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसका आ जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये टू एक्स वाई माइनस डी एक्स अपोन डी वाई हो जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन,
ठीक है, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, टू एक्स वाई डी एक्स अपोन डी वाई इक्वल टू, एक्स कैसा हो जाएगा प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी आ गई, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आ जाएगी। ठीक है, और यही ज्ञात करना हमें, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ही निकालना। तो इधर देखना, तो चलिए इससे आगे देखिए। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए तुम, इसको डिवाइड कर दीजिए, टू वाई से डिवाइड कर दीजिए, टू वाई से डिवाइड करेंगे तो ये लीनियर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा यहाँ, एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, किससे डिवाइड करना, टू वाई से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई माइनस वन अपॉन टू वाई, इसको इधर ले आइए। ठीक है, लीनियर बन जाएगी तो कितना हो जाएगा ये, एक्स डी एक्स अपोन डी वाई माइनस वन अपोन टू वाई लिख लीजिए, और इन टू कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, टू वाई एलसीएम ले लीजिए इसमें, तो कितना बच जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के वन। ठीक है, वी मान लीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए, वी डिफ्रेंशिएशन करिए तो कितना हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स अपोन डी वाई, वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू डी वी अपोन कितना, डी वाई, तो एक्स डी एक्स अपोन डी वाई कितना आ जाएगा, वन बाई टू डी वी अपोन डी वाई, रख दीजिए इसमें। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दीजिए कितनी, वन बाई टू डी वी अपोन डी वाई माइनस वन अपोन टू वाई, एक्स स्क्वायर को क्या मानना, वी, तो वी आ जाएगा इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन अपोन कितना, टू वाई। ठीक है, टू से सारे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बच जाएगा कितना, डी वी अपोन डी वाई माइनस वन अपोन वाई इन टू वी इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन अपोन कितना हो जाएगा, वाई। तो किस फॉर्म में आ गई ये, लीनियर फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो लिख सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, ठीक है, डी वी अपोन डी वाई प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। ठीक है, कंपेयर करेंगे, पी की वैल्यू माइनस वन अपोन वाई, क्यू की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन अपोन वाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उधर कर दूंगा मिटा के। ठीक है, तो हमने कंपेयर करी तो पी कितना आएगा, ठीक है, हेयर किसकी वैल्यू, कैपिटल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन अपॉन वाई, और क्यू की वैल्यू बोलिए, ठीक है, बोलो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना, वाई। ठीक है, लीनियर फॉर्म में क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए इसमें क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर कितना, पी डी वाई आएगा, e की पावर रख दीजिए, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस के लॉग वाई इंटीग्रल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, वन अपॉन वाई। ठीक है, सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन ये इक्वेशन सेकंड का आएगा, इसको सेकंड मान लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड इज, बोलो डिपेंडेंट वेरिएबल वी, वी इनटू इंटीग्रेटिंग
फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी वी इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी, वन अपोन वाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू देखिए कितनी, ये रही माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन अपोन वाई आई एफ रख दीजिए वन अपोन वाई इंटू डी वाई और प्लस कितना सी, तो कितना बचाई वी अपोन वाई इक्वल टू, ठीक है चलिए माइनस बाहर ले लीजिए वाई स्क्वायर हो जाएगा ही, ठीक है तो वाई स्क्वायर अपोन वाई स्क्वायर वन हो जाएगा और प्लस वन अपोन वाई स्क्वायर या ऊपर ले जाइए वाई की पावर कितनी माइनस टू इंटू डी वाई प्लस सी। चलिए यहाँ पे देखना ये वी अपोन वाई इक्वल टू माइनस, चलिए इंटीग्रल कर दीजिए वन का कितना हो जाएगा वन का वाई हो जाएगा इसका कर दीजिए प्लस कितना वाई की पावर माइनस वन अपोन माइनस वन और प्लस कितना सी, वी की वैल्यू भी रख देंगे वी की वैल्यू देखिए कितनी थी एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपोन वाई इक्वल टू माइनस के वाई, ठीक है माइनस माइनस प्लस वन अपोन वाई हो जाएगा और प्लस कितना सी। इस सारी इक्वेशन में वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए या यहाँ पे वाई एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर अपोन वाई कितना एलसीएम ले लीजिए वाई, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस कितना सी वाई, वाई से वाई कट जाएगा इधर ले आइए इसको एक्स स्क्वायर इधर आगे कैसा हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है माइनस के सी वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है तो इसका आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे का ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में दिया फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो वेयर एफ बीइंग पैरामीटर, जहाँ एफ क्या दे रखा पैरामीटर दे रखा। तो हमें ये कोई कर्व दिया इसका क्या निकालना हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज निकालनी, ठीक है तो चलिए निकालते हैं। तो कॉन्स्टेंट वाले को एक साइड ले जाओ इसको, तो कितना बच जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस के टू एफ वाई। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स वन का जीरो हो जाएगा माइनस के टू एफ वाई का कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशन सेकेंड, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो उसे निकालने के लिए किसको एलिमिनेट करते हैं डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ को यानी कि पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। चलिए इसको एलिमिनेट करिए डिवाइड कर लीजिए पहले की तरह ही, तो क्या सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए तो कितना टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई अपोन डी एक्स अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस के टू एफ डी वाई अपोन डी एक्स अपोन माइनस के टू एफ वाई, माइनस कैंसिल हो जाएगा टू एफ कैंसिल हो जाएगा वाई की इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई अपोन
डी एक्स, ठीक है। तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। किसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ये। या इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड ले जाइए, ठीक है। तो कितना बच जाएगा ये, टू एक्स वाई इक्वल टू, इधर आगे कैसा हो जाएगा, माइनस की, ठीक है। माइनस की कितना, टू वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, बाहर कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, कट जाएगा। तो ये कितना, टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या आ गया ये, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। नाउ टू ऑब्टेन, नाउ टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई वी गेट। तो देखिए क्या मिल जाएगा, इसको रहने दीजिए, कितना, टू एक्स वाई है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आइए, तो कितना, टू एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के वन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें पहले की तरह कर दीजिए, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था, एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, टू एक्स वाई डी वाई अपोन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन। इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर देंगे, वाई से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, तो मैं मिटा के इधर कर दूंगा। तो चलिए इसको लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो लीनियर क्या होती है, लीनियर तुमने पढ़ी, डी वाई अपोन डी एक्स प्लस, ठीक है, पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू किसके फंक्शन होते हैं, एक्स के फंक्शन, ठीक है। एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे कितना, डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसा है ये, एक्स कैसा है इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उधर भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, तो उधर को क्या होने चाहिए, एक्स होने चाहिए, ठीक है, एक्स होने चाहिए। तो इस एक्स स्क्वायर को मत लाना इधर, ठीक है, किसको लाना इधर, वाई स्क्वायर को लाना, ठीक है। तो इसको भी मिटा दीजिए, किसको इधर लाना, तुम वाई स्क्वायर को इधर लाना, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इधर आएगा, तो देखो क्या बन जाएगा ये, टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इसको भाग कर दीजिए, एक्स से भाग कर दीजिए, तो ये बच जाएगा कितना, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ठीक है, किससे भाग करना, एक्स से, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू
माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा एक्स। वी मान लीजिए, लेट वाई स्क्वायर को क्या मान लीजिए वी। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो इधर कैसी टर्म होनी चाहिए, एक्स ही होनी चाहिए, इसलिए हमने एक्स की इधर इकट्ठी करी, इसलिए किसको इधर लाए, वाई स्क्वायर को इधर लाए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपोन डी एक्स, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, ठीक है, डी वी अपोन डी एक्स आ जाएगा, माइनस वन अपोन एक्स इंटू वी हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपोन एक्स। तो लीनियर फॉर्म में आ गई है, और कौन सी फॉर्म है लीनियर की, विच इज इन द फॉर्म, तो किस फॉर्म में आई, डी वी अपोन डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। कंपेयर करिए, हेयर पी की वैल्यू माइनस के वन अपोन एक्स, क्यू की वैल्यू देखिए, क्यू की वैल्यू ये रही माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपोन एक्स, ठीक है, तो मिटा के उधर करना पड़ेगा। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ, आई एफ कितना होता है, ए की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी का मान रख दीजिए माइनस वन अपोन एक्स डी एक्स, ए की पावर माइनस कितना जाएगा लोग एक्स, और ये किसके बराबर होता है, भाई ऊपर जाएगा वन अपोन एक्स, तो टोटल कितना जाएगा ये वन अपोन एक्स। तो सॉल्यूशन किसका निकलेगा, सेकंड मान सकते हैं इसको, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड इज कितना आ जाएगा, वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, वी आई एफ वन अपोन एक्स इक्वल टू क्यू का मान रख दीजिए, क्यू का मान ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपोन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दीजिए वन अपोन एक्स डी एक्स प्लस सी, वी अपोन एक्स इक्वल टू माइनस बाहर ले लीजिए एक्स स्क्वायर अपोन एक्स स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस वन अपोन एक्स स्क्वायर यानी कि ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स प्लस सी, वी की वैल्यू भी रख दीजिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपोन एक्स इक्वल टू इंटीग्रल कर दीजिए वन का एक्स हो जाएगा, प्लस इसका कर दीजिए एक्स की पावर माइनस वन अपोन माइनस वन प्लस सी, तो इसको लिख लेंगे भाई वन अपोन एक्स हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपोन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपोन एक्स प्लस सी। एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम ले लीजिए एक्स, तो इधर तो कितना चल रहा है वाई स्क्वायर अपोन एक्स इक्वल टू एक्स, एलसीएम ले लिया तो बताइए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कितना सी एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो ये बच जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कितना सी एक्स, एक्स साइड ले आइए इनको या इसको इधर ले जाइए, जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एक्स, या क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एक्स इक्वल टू जीरो, विच इज़ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है,
13 में ये कोई कर दिया, इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज निकालनी, और लैम्डा क्या दे रखा है इसमें, पैरामीटर दे रखा, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करके किसको एलिमिनेट करेंगे, लैम्डा को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट मान लिया हमने इसको, तो किसका डिफरेंशिएशन करना हमें, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, y का भी करेंगे dy अपॉन dx, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो, 2 से डिवाइड कर दीजिए सारे इक्वेशन को, x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस y अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए यहाँ वाई स्क्वायर बना लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू रख लेंगे सारे की, ठीक है। सारे की वैल्यू कितनी आएगी, सारे की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, उधर चला जाएगा ये, तो इस सारे की वैल्यू आएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर। तो इसको क्या बनाइए, इस तरीके से बनाइए जैसे ऊपर गोल करा, ठीक है, तो ऐसा बनाना है इसको। तो सारे में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए सारी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई अपोन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन ई स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा ज़ीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख दीजिए ये वैल्यू, तो किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखो क्या बन जाएगा ये एक्स वाई अपोन ए स्क्वायर इक्वल टू ओ नहीं प्लस, चलिए इसकी वैल्यू रख दीजिए, इस सारी की वैल्यू ऊपर से देख लीजिए, ये इधर चला जाएगा कितना, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर इंटू डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है, तो लिख देंगे विच इज़, भैया एलिमिनेट हो गया लैम्डा, लैम्डा एलिमिनेट हो गया, तो क्या आ गया विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। नाउ टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज replacing, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस के डी एक्स अपोन डी वाई वी गेट, तो देखो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई अपोन कितना ए स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर माइनस क्या रख देंगे यहाँ डी एक्स अपोन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इस सारे स्टेप को बराबर से उधर ले जाइए, माइनस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स वाई अपोन ए स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर इंटू कितना बच जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना डी एक्स अपोन डी वाई, ठीक है, या इसको लिख लीजिए डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर को इधर ले जाना और इंटू में कितना भी ले लीजिए, चलिए एक्स वाई ले लीजिए
इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में स्क्वायर इधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, ई स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट देखो कैसे हो जाएंगे, वाई डी वाई इक्वल टू एक्स को अपॉन में ले जाएंगे, ए स्क्वायर अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स बचेगा डी एक्स इधर चला जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा कर मैं इधर करूँगा। चलिए तो इधर देखिए अब, ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो कर दीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रल आ जाएगा ये कितना, वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स का कितना होता है लोग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, प्लस क्या जोड़ दीजिए, सी जोड़ दीजिए या सी बाई टू जोड़ दीजिए, तो इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर लोग एक्स। ठीक है, और प्लस कितना सी बाई टू, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे में तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर लोग एक्स प्लस सी, इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर लोग एक्स इक्वल टू सी विच इज़ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।